हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये ज्योग्राफी सीरीज का 6th पार्ट है। इससे पहले 5 वीडियोस कंप्लीट हो चुके हैं, जो आपको चैनल पे प्लेलिस्ट उसकी मिल जाएगी, जिसे आप देख सकते हैं। सभी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हुए हैं। अगर आप ये कंप्लीट सीरीज देख लेते हैं तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा ज्योग्राफी का जो जीएस यानी जीके पोर्शन में, जनरल नॉलेज जो आपका पहला पेपर होता है, उसमें आए और आपको ना आ पाए। मैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही आपको करा रही हूं। तो देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि जुलू जनजाति कहाँ पाई जाती है, यानी ये एक प्रकार की जनजाति है। पूछ रहा है कि ये कहाँ पाई जाती है, स्थान का नाम पूछ रहा है। ऑप्शन आपके पास न्यूजीलैंड, भारत, दक्षिण अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। तो गाइज, यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा। जुलू जनजाति जो पाई जाती है वो दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है, तो यहाँ सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि युर्त किस जनजाति का घर है, एस्किमो का, पिग्मी का, बुशमैन का या खिरगिज का। तो राइट ऑप्शन कमेंट करके बताइए और खुद भी एनालाइज कीजिए आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि युर्त किस जनजाति का घर है, खिरगिज जनजाति का घर है। तो यहाँ डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका या भारत। तो यहाँ जो आपका ई ऑप्शन वो सही हो जाएगा कि जो थाईलैंड है वो पहले श्याम के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम थाईलैंड पड़ा, तो इस वजह से यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है किस देश का प्राचीन नाम पर्शिया है, इराक का, ईरान का, ताइवान का या चीन का। तो कमेंट करके बताइए इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ईरान को पहले लोग पर्शिया के नाम से जानते थे। ईरान का प्राचीन नाम क्या था, पर्शिया था। तो यहाँ बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि किस देश को पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है, यानी पूर्व का मोती जो उपाधि दी गई है वो किस देश को दी गई है, जापान को, हांगकांग को, श्रीलंका को या ताइवान को। तो राइट ऑप्शन कमेंट करके बताइए कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है वो है श्रीलंका। श्रीलंका को लोग पूर्व के मोती के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है किस देश को सफेद हाथियों की भूमि कहा जाता है, यानी सफेद हाथियों की भूमि के नाम से कौन सा देश जाना जाता है, थाईलैंड, कीनिया, जापान या लाओस। तो राइट ऑप्शन बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो लाओस है उसे सफेद हाथियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है, तो डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उगते हुए सूर्य का देश निम्न में से किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन हम पहले रिपीट कर चुके हैं, जब जीएस की सीरीज कर रहे थे तो उसमें ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि मैं सभी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता रही हूँ। ऑप्शन आपके पास नॉर्वे, फिलीपींस, इंग्लैंड या जापान। तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है, क्योंकि जब सूर्य उगता है तो सबसे पहले जो रोशनी किरण पड़ती है वो जापान देश में ही पड़ती है, तो इस वजह से यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछ रहा है कि कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है, इसे तो सभी लोग बता लेंगे। कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है, न्यूजीलैंड को, सुमात्रा को, ऑस्ट्रेलिया को या कोरिया को। तो राइट ऑप्शन बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है, कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सात पहाड़ियों का नगर किसे माना जाता है, रोम को, बर्लिन को, बर्न को या पेरिस को। तो राइट ऑप्शन बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा रोम। रोम को क्या कहा जाता है, सात पहाड़ियों का नगर कहा जाता है, तो ए ऑप्शन सही है। फिर आपसे पूछ रहा है कि फॉरबिडन सिटी के उपनाम से कौन जाना जाता है, क्विटो, लॉसा, लीमा या बिगोटा। तो यहाँ जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। लासा को हम क्या बोलते हैं, फॉरबिडन सिटी के नाम से भी जानते हैं, तो बी ऑप्शन सही है। फिर आपसे पूछ रहा है कि बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है, पोर्टमेक, डेन्यूब, हडसन या टिग्रिस। तो राइट ऑप्शन बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो बगदाद शहर है वो टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि लंदन किस नदी के किनारे स्थित है, राइन के, टेम्स के, सीन के या मुस्कावा के। तो राइट ऑप्शन बताइए, तो यहाँ जो बी ऑप्शन है सही हो जाएगा कि लंदन किस नदी के किनारे स्थित है, टेम्स नदी के किनारे स्थित है, तो बी ऑप्शन एकदम
करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछ रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, महानदी का डेल्टा, नील नदी का डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा या कृष्णा कावेरी नदी का डेल्टा। तो राइट ऑप्शन इसमें से कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछ रहा है विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है, राइन, गंगा, टिग्रिस या टेम्स। कमेंट करके बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है, राइन नदी, यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा पार्क कहाँ स्थित है, गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत, वुड बफेलो नेशनल पार्क कनाडा, ग्रीनलैंड नेशनल पार्क डेनमार्क या सागर माथा नेशनल पार्क डेनमार्क। तो राइट ऑप्शन बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा पार्क कहाँ स्थित है, कनाडा में स्थित है और पार्क का नाम क्या है, वुड बफेलो नेशनल पार्क, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछ रहा है कि सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, यूएसए में, दक्षिण अमेरिका में, अफ्रीका में या रूस में। तो कमेंट करके बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो सवाना घास का मैदान है वो अफ्रीका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, इसमें पूछ रहा है कि वाइल्ड घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, अमेरिका में, दक्षिण अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में या न्यूजीलैंड में। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, वाइल्ड घास का मैदान, यानी वाइल्ड क्या है, एक घास का मैदान है जो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी चार में से एक, तीन करेक्ट मैच्ड है लेकिन एक करेक्ट मैच्ड नहीं है, तो वही आपको बताना है कि कौन सा गलत है। तो कह रहा है कि डाउन्स जो घास का मैदान है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। पंपास अर्जेंटीना में पाया जाता है, ये भी सही है। प्रेयरी यूएसए में पाया जाता है, ये भी सही है। स्टेपी भारत में पाया जाता है, ये गलत है, ये सही नहीं है। स्टेपी घास का मैदान जो है वो भारत में नहीं पाया जाता, तो इस क्वेश्चन के बिहाफ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड, भारत, इंडोनेशिया या इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट करके बताइए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, इंडोनेशिया है, यहाँ सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछ रहा है कि चक्रवात के केंद्र में होता है क्या, निम्न दाब, सम दाब, उच्च दाब या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न दाब। चक्रवात का जो केंद्र होता है उसमें निम्न दाब होता है, तो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछ रहा है कि पेट्रोलियम एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है, आग्नेय, अवसादी, कायांतरित या इन सभी में। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, पेट्रोलियम एवं कोयला अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछ रहा है कि विश्व में रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, जापान, भारत, यूएसए या चीन। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन, चीन में सबसे ज्यादा रेशमी वस्त्र का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मानचित्र पर वायु दाब की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखा क्या कहलाती है, आइसोबार, आइसोबार, आइसोपोल या आइसोकेप। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आइसोबार, कि मानचित्र पर वायु दाब की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखाएं कहलाती हैं आइसोबार रेखाएं, तो अभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जस्ट अ मिनट, यही क्वेश्चन रिपीट हुआ था। इसमें पूछ रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, गोबी, कालाहारी, सहारा रेगिस्तान या थार रेगिस्तान। तो यहाँ राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सहारा रेगिस्तान। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, सहारा रेगिस्तान, तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछ रहा है कि इस नदी को चीन का शोक कहा जाता है, हुआंगो को, नील को, अमेजन को या हॉन्ग सी हू को। तो राइट ऑप्शन बताइए इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि हॉन्ग हो नदी जो है चीन की, उसे चीन का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछ रहा है कि नील नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, एंडीज पर्वत, विक्टोरिया झील, तिब्बत का पठार या इतास्का झील। तो यहाँ राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, विक्टोरिया झील। नील नदी का जो उद्गम स्थल है वो है विक्टोरिया झील, तो यहाँ बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछ रहा है कि लंदन शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है। अभी इसके ऊपर हमने सेम क्वेश्चन किया हुआ है, तो आप जल्दी से बता दीजिए कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा,
ऑप्शन आपके पास स्प्रिंग, डेन्यूब, राइन या टेम्स, तो ये डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगी। जो लंदन शहर है वो टेम्स नदी के किनारे स्थित है, तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे पूछ रहा है कि बर्लिन शहर जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, डेन्यूब, स्प्री, राइन या टेम्स। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, स्प्री, कि बर्लिन शहर जो है वो स्प्री नदी के किनारे स्थित है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फोकस करते हैं, इसमें पूछ रहा है विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल कौन सा है, यानी विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल कौन सा है, क्या नाम है उसका। ऑप्शन आपके पास ब्रांदा वर्ली ब्रिज जो कि भारत में है, जो झोउ सी ब्रिज जो कि चीन में है, डोंगोई ब्रिज जो कि चीन में है, और महात्मा गांधी सेतु जो कि भारत में है। तो राइट ऑप्शन इसमें से कौन सा हो जाएगा, इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, जी झोउ सी ब्रिज जो आपका चीन में पाया जाता है सबसे बड़ा समुद्री पुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे पूछ रहा है विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है, एम्पायर स्टेल बिल्डिंग जो कि न्यूयॉर्क में है, बुर्ज खलीफा जो कि दुबई में है, ताइपेई 101 जो ताइपेई में है, या पेट्रानाई टावर जो कि कुआलालंपुर में है। तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है, बुर्ज खलीफा जो कि दुबई में है। तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट है। 181 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, जिसमें पूछ रहा है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस, चीन, भारत या अमेरिका। तो ये क्वेश्चन हम इजीली बता सकते हैं कि जो चीन देश है वो क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने टोटल 31 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।